आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं आलू और प्याज की मिक्स कचौड़ी। तो फिर उसे बनाने के लिए हमने अपने पास ले रखे हैं प्याज, धनिया, मिर्ची, आलू, यह हमने ले रखा है कुटा हुआ धनिया, सौंफ और जीरा। तो हम मिक्स करेंगे अपनी प्याज, मिर्ची और धनिया। ये सभी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया कुटा हुआ, सौंफ और जीरा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम लोगों ने ले रखी है ये लाल मिर्च एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चुटकी, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये हमने ले रखा है आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच हम इसमें काला नमक भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, अब हम इसे मैश करेंगे। अब ये आलू का मिक्सचर तैयार है। भरने के लिए आटा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने आटे में तेल और नमक मिक्स कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। पूरे मिक्स कर देना है अच्छे से आपको भी। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। अब हमारा ये डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चोनियाँ बेल के और भर के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी कचौड़ियाँ डालेंगे। हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से सिक रही हैं धीरे धीरे। तो अब हमारी ये कचौड़ियाँ सिक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के बैच भी सारे सेक लेंगे। ये तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया कचौड़ी बनी है हमारी। देखिए इन्हें हमने सर्व किया है देसी चटनी के साथ।